महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय भोलेन्द्र सिंह की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बलरामपुर हॉल में किया गया। इस मौके पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा, डॉक्टर टीपी शाही सहित परिषद के अन्य सदस्य और शिक्षा परिषद से जुड़े विद्यालयों के शिक्षक मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय भोलेन्द्र सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर अपने संबोधन में परिषद से जुड़े लोगों ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। ये संस्था के संदर्भ में जितनी बात से बात आपकी हुई वो तो अलग है। जब कभी मैं बैठा लिया व्यक्तिगत कार्य के लिए आग्रह किया, उसके आगे और पीछे जितना दिन हमारा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाएं, हमारा महाविद्यालय, उसकी कार्य पद्धति और समाचार पत्रों से जो कुछ भी उनके ध्यान में रहता था, जहाँ जहाँ उन्हें लगता था कि हम रोका जाना चाहिए, उन पर रोकना, कहना और जो कुछ अच्छी चीजें थी उसकी प्रशंसा करना, यानी ये हम लोगों के कार्य के लिए उनके प्रेरणास्पद स्मृतियां हैं। ये हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। मैं महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जनरल सर के संपूर्ण परिवार की ओर से उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो हमारे लिए तो हमारे अपने बोले चाचा थे, जिन्हें हम लोगों ने बचपन से ही बोले चाचा के रूप में पूछा। और हम सब उनसे भाव भावना दूर से जुड़े हुए थे। ऐसे व्यक्ति का यहाँ से चले जाना जिनसे हमें स्वामी जीवन का किसी भी प्रकार की परिस्थिति में भाई लेते थे, जिनको हमने बचपन से ही विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विभिन्न महाविद्यालय के आचार्य प्राचार्यों को उनसे लाभ लेकर देखा हो, ऐसे व्यक्ति का चले जाना मेरे लिए तो जैसे मेरे पिता के समान। मैं दिव्यनगर महाविद्यालय के महिला छात्रावास एवं शिक्षा परिषद के महिला छात्रावास महाराणा मियाबाई महिला छात्रावास जो वहाँ के समस्त कर्मचारी